गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आई एम शशि शवान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे, हमने ये 5 चैप्टर रीड किया था और बच्चे जो आपका लीफ पर वे चले कविता है, इसका मैंने आपको सरलार्थ या भावार्थ आपको समझाएगा। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 33 पर आ जाइए। सही विकल्प पर सही टिक का चिन्ह लगाइए। लीक पर वो चलते हैं जिनके पैर होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दुर्लभ, हारे या दोनों। तो राइट आंसर क्या है बच्चे आपका, दोनों। अब पेज नंबर 34 पे आ जाइए। कविता में किस रंग के बांस की बात कही गई है, लाल, पीला या हरा। तो बच्चे पीले रंग के बांस की बात कही गई है। नेक्स्ट है, कौन से पेड़ गर्व से खड़े हैं, आम, ताड़ या अशोक। बच्चे ताड़ के पेड़ गर्व से खड़े हैं। अब आते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खा, दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चे भावार्थ आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे, ठीक है, ये भी आपका कविता में आया हुआ है और ये मैंने आपको समझाया था, फिर दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। लीक पर वे चले जिनकी, लीक का मतलब होता है पुरानी परंपरा, ठीक है। चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। अनिर्मित का मतलब होता है जो नहीं बना, पंथ, रास्ते। तो बच्चे मैंने इसका यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है। पहले हम यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग में आएगा बच्चे आपका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तेजस हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले। बच्चे आप जानते हो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो तेजस है और कविता का नाम है लीक पर वे चले से लिया गया है, और इसके जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है इस कविता में। बच्चे कवि जो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें पुरानी जो परंपराएं हैं हमारी उनको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बच्चे भावार्थ है, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं, जो दुर्लभ और हारे हुए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी परंपरा पर चलते हैं और उन्हीं को अपनाते रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कवि कहता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते चुनने चाहिए, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं जो दुर्लभ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हारे हुए होते हैं। परंपरागत का मतलब होता है पुरानी परंपरा। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए नए रास्ते ही अच्छे लगते हैं, कवि कह रहा है ये बात। कवि अपना पथ या रास्ता स्वयं खोजने की बात कह रहा है। कवि कहता है कि हमें जो अपने रास्ते हैं, हमें अपने रास्ते खुद चलने चाहिए। जो पुरानी परंपराएं आ रही हैं, वो जो बहुत से लोग उन्हीं को अपना रहे हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो उन्हीं रास्तों पर चलते रहते हैं और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। बच्चे जो आपको ये पंक्तियाँ दी गई है, इनका भावा प्रसंग है और भावार्थ है। ये बच्चे ये वाला कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है, हिंदी रीडर की कॉपी में। अब आते हैं हम बच्चे, पेज नंबर है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। ये पेज नंबर आपका 35 पर है। ये देखिए यहाँ पर, अर्थ जड़, दल, अज, किस, इनके बच्चे दो दो अर्थ हमें लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थ का अभिप्राय मतलब, जड़ का मूल अचेतन, दल का सेना और पत्ता। बच्चे इसके काफ़ी और आगे भी निकल सकते हैं हम,
पर हमें इसमें दो दो कहा है तो हम दो दो ही लिखते हैं, और भी हो सकते हैं। अज का बकरा अजन्मा, कृष्ण का काला श्याम, कृष्ण को बच्चे हम काला भी कहते हैं ना, है ना, श्याम भी कह देते हैं क्योंकि वे काले रंग के थे, श्यामले रंग के बोल देते हैं उनको बच्चे हम, है ना। तो बच्चे इनके दो दो अर्थ हैं और ये आपको अपनी बुक में करना है का क्वेश्चन, और जो ऊपर का दिया है ये बच्चे आपको अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। इसके बाद है खा, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, प्रतिदिन होने वाला, उपकार मानने वाला जिसके माता पिता ना हो, शरण में आया हुआ, या जो 100 वर्ष का समय है। तो प्रतिदिन होने वाला दैनिक, उपकार मानने वाला उपकारी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, शरण में आया हुआ शरणागत, 100 वर्ष का समय शताब्द। ये भी बच्चे आपको अपनी बुक में करना है सुंदर राइटिंग, ठीक है। Thank you.